हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल 24/7 CA जोन। तो जो मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट था, जो मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट हाफ हो गया था, उसके बाद ही हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके बाद के क्वेश्चंस हैं ये। तो इसमें सारे मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट जो है, जितने भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड हैं, वो सब कवर अप हो जाएंगे। तो आप इसके बाद नोट डाउन कर सकते हैं और आपके लिए सारे ही क्वेश्चंस जो है वो आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए हेल्पफुल होगा, जो यूजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी, और जो पीजी में हिस्ट्री से कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर या डी बाबर। तो किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अकबर ने प्रारंभ किया था। तो बी अकबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी अकबर ने मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किया था। तो अकबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ करी थी? तो ये अभी ही क्वेश्चन था जिसमें मैंने बताया कि अकबर होगा। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ करी थी? अकबर ने करी थी। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अकबर। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? ए शाहजहां, बी शेरशाह, सी अकबर या डी जहांगीर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, अकबर ने। सी आपका राइट आंसर हो जाए। यानी जिसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था वो थे अकबर। तो अकबर आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। और ये तीनों क्वेश्चंस जो है आपस में कोरिलेट करते हैं, तो इजीली आप इसे याद रख सकते हैं कि किसने मनसबदारी की को आरंभ किया था या किसने उसकी का सूत्रपात किया था। तो ईजिली आप को एकदम दिमाग में हो जाएगा कि अकबर ही होगा तीनों में। बस इसमें जो टर्म्स हैं वो आप रिलेट कर सकते हैं उसे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अकबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? ए अकबर ने, बी शेर शाह ने, सी शाहजहां ने या डी बाबर ने। तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण जिसने किया था वो कौन थे? अकबर थे। तो ए आपका अकबर फिर से ये सही आंसर हो जाएगा। यानी फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? अकबर ने किया था। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करते थे? ए जोधा भाई महल, बी पंचमहल, सी इबादत खाना या डी बुलंद दरवाज़ा। तो अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श करते थे इबादत खाना में। तो सी इबादत खाना आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो अकबर थे अपना धार्मिक विचार विमर्श करते थे इबादत खाना में। तो सी आपका इबादत खाना हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयाग नगर को अलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? ए औरंगज़ेब, बी अकबर, सी शाहजहां या डी बहादुर शाह जफ़र। तो प्रयाग नगर को अलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम देने वाले थे अकबर, इन्होंने दिया था ये नाम। तो फिर से आपका अगेन बी राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। तो अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत से टर्म्स हैं जिसमें अकबर एक कॉमन है, तो इजीली आपको याद रह सकता है कि अकबर ने क्या क्या किया था।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? ए अबुल फजल, बी बैरम खान, सी तानसेन या डी टोडरमल। तो इसका राइट आंसर होगा बी बैरम खान। रीजेंट कौन था? बैरम खान थे, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी बैरम खान जो थे वो अकबर के आरंभिक दिनों में उनका रीजेंट थे, तो बैरम खान आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद है जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? ए एक चौथाई, बी एक तिहाई, सी आधा या डी पांचवा भाग। तो कितना अंक तय किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एक तिहाई किया गया था, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? ए लाल कुलवंत, बी बंदा बहादुर, सी राम तनु पांडे या डी मार्कदेय पांडे। तो उसका नाम था सी राम तनु पांडे। ये जो अकबर के महल में जो संगीतकार थे तानसेन, उनका ये मूल नाम था राम तनु पांडे, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दिन ए इलाही का नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर या डी शाहजहां। इसका राइट आंसर होगा अकबर के द्वारा। तो दिन ए इलाही का नया धर्म जो है अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, तो अकबर आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? ए टोडरमल, बी बीरबल, सी तानसेन या डी मान सिंह। तो अकबर के एकमात्र जो दरबारी थे जिन्होंने ये धर्म स्वीकार किया था वो थे बीरबल, तो बीरबल आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। यानी बीरबल ने जो धर्म था दीन ए इलाही को स्वीकार किया था, तो बीरबल आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी अकबर या डी औरंगज़ेब। तो कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? इसका राइट आंसर होगा अकबर, सी अकबर जो थे वो निरक्षर थे, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो हो जाएगा अकबर, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? ए असाफ खां अकबर, आदम खां अकबर, सी बैरम खां अकबर या डी साइस्ता खां अकबर। तो इस पे से कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है आपको। तो इसमें से सही जोड़ा है सी बैरम खां और अकबर, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बैरम खां और अकबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? ए बाबर को, बी अकबर को, सी जहांगीर को या डी शाहजहां को। तो मुगल इनमें से जो मुगल सम्राट है जिन्हें हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है वो है अकबर।
तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, अकबर को प्राप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी अकबर, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी हुमायूं या डी औरंगज़ेब। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुग़ल बादशाह थे अकबर, तो अकबर आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ए इज़ द राइट, यानी अकबर हो जाएगा आपका सही उत्तर, ए आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जहांगीर का अर्थ क्या है? ए राष्ट्र का अधिपति, बी महाअधिपति, सी विश्व विजेता या डी शत युद्धों का नायक। तो जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जहांगीर का क्या अर्थ होता है विश्व विजेता, यानी सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची, उच्च उत्तम स्तर पर पहुंची? ए अकबर के, बी औरंगज़ेब, सी जहांगीर या डी शाहजहां। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जहांगीर के स्तर पर। तो जो चित्रकारी थी वो जहांगीर के शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, किस मुग़ल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? ए मोहम्मद शाह, बी बाबर, सी जहांगीर या डी औरंगज़ेब। इसका सही उत्तर होगा सी, जहांगीर ने निषेध किया था। तो जहांगीर मुग़ल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था, यानी सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जहांगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं, किस मुग़ल शहंशाह ने मुग़ल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? ए जहांगीर, बी औरंगज़ेब, सी शाहजहां या डी बहादुर शाह। तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां, शाहजहां मुग़ल शहंशाह ने मुग़ल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, यानी सी इज़ द राइट आंसर, शाहजहां आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, शाहजहां के प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस 1739 ई में कौन ले गया था? इसमें ऑप्शंस है ए अफ़गान आक्रमक अहमद शाह अब्दाली, बी फारसी आक्रमक नादिर शाह, सी मंगोल आक्रमक चंगेज़ खान या डी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताऊस 1739 ई में फारसी आक्रमक नादिर शाह ले गए थे, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, बी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? ए आगरा, बी जयपुर, सी लाहौर या डी अहमदाबाद। तो जो मोती मस्जिद है वो स्थित है आगरा में, यानी आगरा आपका सही उत्तर हो जाएगा, मोती मस्जिद जो है आगरा में स्थित है, तो ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद औरंगज़ेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? ए कामबख्श, बी मोहम्मद मुअज्जम, सी मोहम्मद आजम या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद मुअज्जम औरंगज़ेब के बाद उनका बेटा जो बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट, यानी मोहम्मद मुअज्जम
आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से औरंगज़ेब का उत्तराधिकारी कौन था? ए आज़म, बी कामबख्श, सी अकबर सेकंड या डी मुअज़्ज़म। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मुअज़्ज़म, यानी डी इज़ द राइट, यानी जो मुअज़्ज़म था वो औरंगज़ेब का उत्तराधिकारी बना, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मुग़ल शासकों की दरबारी अदालती भाषा थी ए अरबी, बी उर्दू, सी फारसी या डी हिंदुस्तानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा फारसी, यानी मुग़ल शासकों की दरबारी अदालती भाषा थी फारसी, सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ए फतेहपुर सिकरी, बी औरंगाबाद, सी हैदराबाद या डी जौनपुर। तो जो बीबी का मकबरा है वो है, और कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में। तो जो भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये आंसर तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, ए जहांगीर के द्वारा, बी शाहजहाँ के द्वारा, सी शेर शाह के द्वारा या डी नादिर शाह के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा शाहजहाँ के द्वारा, यानी ताजमहल जो है शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में एक रुपए का सिक्का टकसालित मिंट किया गया था? ए बाबर के, बी शेर शाह सूरी, सी अकबर या डी औरंगज़ेब। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान भारत में एक रुपए का सिक्का टकसालित यानी मिंट किया गया था, तो बी शेर शाह सूरी आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? ए लाहौर, बी मुल्तान, सी आगरा या डी पूर्व बंगाल। तो जो रोड थी वो जोड़ती थी पूर्व बंगाल, यानी डी, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को पूर्व बंगाल के साथ जोड़ती थी, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? ए चौसा में, बी कलिंग में, सी कालिंजर में या डी इनमें से कहीं भी नहीं। तो शेर शाह की मृत्यु हुई कालिंजर में, यानी सी इज़ द राइट आंसर। तो शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, कालिंजर में। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, नाना फर्नांडिस का मूल नाम क्या था? ए महादजी सिंधिया, बी तुकेजी होलकर, सी नारायण राव या डी बालाजी जनार्दन भानु। तो इसका सही उत्तर होगा, तो उनका मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, यानी नाना फडणवीस के मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, उस मराठा राजा का नाम बताएं जो औरंगज़ेब से बहादुरी से लड़ा। ए शाहजी भोसले, बी बाजी राव, सी शिवा या डी साहू। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शिवाजी, यानी शिवाजी मराठा राजा थे जो औरंगज़ेब से बहादुरी से लड़े थे, तो यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था? ए 1627 ई में, बी 1674 ई में, सी 1680 ई में या डी 1670 ई में। कब हुआ था?
इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी 1674 ई में, यानी शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ई में, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए पुणे, बी करवार, सी पुरंदर या डी रायगढ़। तो जो शिवाजी के राज्य की राजधानी थी वो थी रायगढ़, तो इसमें डी रायगढ़ आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी शिवाजी के राज्य की राजधानी थी रायगढ़, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे। ए फ्रांसीसी, डी बी पुर्तगाली, सी डच या डी अंग्रेज। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? ए रघुनाथ राव, बी नारायण राव, सी माधव राव या डी बाजीराव। तो इसमें जो पेशवा प्रथा थी वो किसके काल में समाप्त की गई थी? बाजीराव सेकंड के काल में समाप्त की गई थी, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बाजीराव सेकंड के ब्रिटिश मतलब पेशवा प्रथा जो थी ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी, तो बाजीराव सेकंड के काल में समाप्त की गई थी, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो रायगढ़ थी, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे, पूरे मिडिवल हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूरे कंप्लीट हैं, तो आप ये सेशन जो है देख सकते हैं और अपना रिवाइज भी कर सकते हैं अच्छे से। जितना आप देखेंगे या जितना आप मतलब चीज़ों को याद रखेंगे उतनी ही जल्दी आपकी चीज़ें दिमाग में रहेंगी, तो हमेशा मतलब याद रखने के लिए आपको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल होगा, और ऐसे ही प्रिपरेशंस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।